शहरत साज संतरा की बाजवा जोड़ा लगाने का फन। जाहरी बात है कि दोस्त उस वीडियो को देखते भी हैं और शेयर भी उस वीडियो को करते हैं जिसमें उसको उनको वसी तादाद में नॉलेज मिले या कोई अच्छी बात सीखने का मौका मिले। तो आज साज सदर अली बाजवा साहब की खिदमत में हाजिर हैं, खसूसी नशस्त है फिर जोड़ा लगाने का फन ब्रीडिंग का शोभा जो है कि वाकई इसमें कोई राज है कि लोग इतफाकिया तौर पे भी जोड़े लगा के कामयाब हो जाते हैं या जिनका कह सकते हैं कि कबूतर ये देखे ना ब्रीडिंग का शोभा एक हमारे खेल में बड़ा जानदार शोभा है। नस्ल बनाना ब्रीडर का मतलब भी है कि नस्ल बनाने वाला। इस हवाले से गुजरांवाला के जो नाम उस्ताद हैं उस्ताद सत्तर अली बाजवा जोड़ा लगाने का एक बड़ा पायदार फन रखते हैं और वजह शहरत इनकी बड़े बड़े अच्छे उन्होंने कबूतर बनाए हैं और उड़ाए भी हैं। थोड़ी सी दोस्तों की तादाद भर जाएगी तो फिर उनसे ना जोड़ा लगाने का फन फने कबूतर परवरी में जोड़ा लगाने के फन में ऐसी कौन सी रमूज या लवाजमात होने चाहिए कि जिससे हम एक बेहतर ब्रीड या बेहतर नस्ल बना सकते हैं उड़ाने के मामले में भी और ब्रीडिंग करने के मामले में। ब्रीडिंग का मकसद ये होता है कि एक कबूतर से अगर जानदार नस्ल किस तरह बनाई जाए। तो दोस्तों की तादाद बढ़ रही है तो मैं थोड़ा सा ये दोस्त आपको ये बात बता दूं कि लाइव कॉल के दौरान मैं जो ना दोस्तों जवाब देंगे तो हमारा मसला ना किसी और तरफ चला जाता है, लेकिन हर दोस्त अपनी सोच के मुताबिक सवाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ सवाल करते हैं। वो फिर मैं किसी ना आपसे ना लाइव रखूंगा, दोस्तों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अभी फिलहाल हम जो मौजूद हैं उस्ताद सदर अली बाजवा साहब के पास भी सिर्फ इन्हीं की ज़ात का ना इनका तजर्बे और ख्याल से हम इस्तफादा उठाएंगे, बल्कि जो उनका तजर्बा है या जो उनकी राय है उसी के हवाले से हम उनसे सवाल भी करेंगे और उनका जो इलम एंड नॉलेज शेयर करेंगे। और दोस्तों से भी गुजारिश है कि जो अच्छी इलम की बात होती है ना इसको देख के तो ना सिर्फ शेयर करें बल्कि ज़्यादातर कोशिश किया करेंगे ज़्यादातर लोगों के पास जाए ताकि और भी ऐसे लोग जो अच्छे इलम के मुतलाशी हैं उन तक भी ये बात पहुंचे। तो मैं बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो मैं बात लंबी नहीं करूंगा तो अपने सेगमेंट को आगाज करेंगे क्योंकि कॉल काफ़ी लंबी हो जाती है बातों बातों में। अक्सर दोस्त गिला करते हैं कि आपकी फन हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना एक ये भी कोई शौकीन होने का एक बहुत बड़ा जिन्हें निशानी है। हमें नहीं पता चलता कितना टाइम हो जाता है कि लोग किस तरह हम तो बातें करते करते ना हम इतने गुम हो जाते हैं महम हो जाते हैं या मसरूफ होते हैं हमें वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। ये भी एक अच्छे शौक की अलामत होती है कि हम अपने गपशप से हमें पता नहीं चलता कि हम कौन कौन से टॉपिक शेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त हम हाजिर खिदमत जो दोस्त काफ़ी तादाद में आ गए हैं गुजरांवाला के नामवर शख्सियत उस्ताद सदर अली बाजवा आजकल ये सोशल मीडिया पे इनका बड़ा जिक्र चल रहा है। तो गुजरांवाला की बड़ी शान आम शान और जानदार शख्सियत मोहतबर और बुजुर्ग मैं आपके नाम लिखा हुआ था तो बिल्कुल ही अभी अब उम्र के शोभा में उस जगह इस मुकाम पे हैं तो बुजुर्गी का हम इनको जो रुतबा है वो दे सकते हैं क्योंकि मैं छोटा सा जब से इनके पास आता था शकीब है तो आज इस बात को तकरीबन 18-16 साल हो गए। तो दोस्तों आगाज करते हैं अपने सेगमेंट जोड़ा लगाने का फन ये बाकी इस फन में राज है और ये राज कहाँ तक पायदार है। तो मैं ये अपना कैमरा करूंगा उस्ताद चांद महर आज ये दोस्त है देखे मेरे साथ में इनका भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कैमरा मैन अंजाम दे रहे हैं। ये मेरे भाई छोटे ये भी बड़े प्यार वाले दोस्त हैं तो इतनी देर से देखना इनका भी हक बनता ही आपको ये भांजा जी उस्ताद सत्तर अली बाजवा साहब का नाम बताएं जरा अहमद बाजवा अहमद बाजवा साहब अभी कुछ मेहमान है ये देखिए इनके साहब का आते हैं फिर आगाज करते हैं ये उनके शागिर्द आए हैं जी ये सब उस्ताद सत्तर अली बाजवा साहब के बेटे हैं साजी नाम इनका मेरे इसका नाम है अबू बकर बाजवा। अच्छा अबू बकर बाजवा छोटा बेटा ये भी शौक में मेरा साथ नहीं देता। अच्छा साथ सिर्फ और राफे देता।
जिसने दुबई में चैंपियन परफॉर्मेंस भी दी है। ये है अली वाले, ये दोस्तों का शौक कर और इस अपना करेंगे जोड़ा लगाने का। पांच रुपए बाजवा साहब बैठे हैं, देने चांद साहब ये जूम करके ना जरा। तो एक शेर से मैं आगाज करूंगा, तो शेर बड़े शफा साहब सुनाते हो, तो मैं उस शेर होते सुनाने के लिए, ना सिर्फ हम सुनाए बल्कि हमारे जो दोस्त हैं इतने देखने वाले हैं वो उन तक भी पहुंचता है। तो उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब के लिए मेरा एक शेर है, उनकी नजर है कि ए दोस्त इस चमन में तू ऐसे गुलों को चुन, ए दोस्त इस चमन में तू ऐसे गुलों को चुन, हर शख्स दाद दे तेरे इंतखाब की, हर शख्स दाद दे तेरे इंतखाब की। तो सादे मोहतरम ये एक नया शेर है, किन्ने को तू दाद तुहानू मिली है कैमरा करो दोस्तों, जोड़ा लगाने का ये जो फन है ना, ये बाकी एक फन है, और इस जो फन से हमने आज पर्दा उठाना है बयाज उस्ताद सफदर अली बाजवा साहब गुजरांवाला के, फन कबूतर पर भी और ब्रीडिंग में बड़ा मोतबर नाम है। तो उस्ताद जी से मेरा पहला सवाल ये है कि कबूतर की सिलेक्शन, कबूतर की ब्रीडर, कबूतर की सिलेक्शन किस हवाले से? उस्ताद जी पहलू तो ये दसो ना, हर कबूतर जोड़े ने काबल होंगे? नहीं यार, हर कबूतर जोड़े ने काबल नहीं, जिले च जोड़े आनियां सिफतां होंगियां ना ਉਹੀ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਲਕ ਤੇਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਾਂ ਖੁਚਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਨਾਕਸ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਜੀ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਪਰਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਬੂਤਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਜਾਨਦਾਰ ਜੋੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਲਾਉਣ ਨਾ ਇਹ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਪਰੇਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਛੋਟੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇਗਾ ਬੱਚੇ, ਤੋ ਵਾਕਈ ਛੋਟੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਰੀਆਂ ਮਾਦੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੈਠਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਲੈ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਐਸਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੱਸੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਂ ਸਫਾਦਾ ਉਠਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕੁਛ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਕਾਲ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਅਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਆਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
जवाब दो चोड़ा लान का जरा फन ने मैं समझना कबूतर पहला मैं कर्ज कर चुका कबूतर आजाद कबूतर माजी आजाद माती सब तो पहली गल है कि दुनिया आती है जी बी चंगा है जमीन चंगी नहीं है या जमीन चंगी है बी चंगा है सब तो पहली गल है बीज भी अच्छा हो जमीन भी अच्छी हो अगला पौधा जरा ताकतवर निकलेगा मैं समझना है कि सवाल तो नर की जी बाजी स्ट्रक्चर है चौड़ी छाती चेहरा भारा गोल माझी का जरा क्षेत्र है गोल बाडी अगर कबूतर लंबे ने ना वो ही पर सही रहेगा मैं समझना माझी के पर छोटे ने कबूतर के पर लंबे ने मेरा ख्याल वो लेवल नहीं आएगा लेकिन मेनू समझ नहीं आई मैं कह रहा कि दोस्त ने कमेंट से दोबारा कहने जोड़ा लाने बाद रखो कि जोड़ा लाने बचे स्टैंडर्ड से करो ये चीज़ की राह है मेरे पास से जी अदायगी है ना कोई एडी मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं समझना कि बोनस जिंदगी गुजार रहा ते जो मैं अपने सीने च लैके जाना नहीं चाहता कबूतरबाजी के हवाले तो मेरी पहचान हुई है अगर मैं नाल लै जाऊंगा सीने च रख के मेरे ख्याल बाद मैं कोई याद नहीं करेगा तू ऐसा शख्स है कबूतरबाजी च मीडिया के हवाले तो मेरे अटैच है जिदा मैं कभी भी अगे नहीं तेरी गल टाली छाप नहीं मेरी समझ तो बाद तू सवाल कर रहा है तेरे अंदर एक टैलेंट है या ताकत है इंसान दे अंदर ना बुलवाना मैं समझना कि मैं बेजुबान ही हां तू मेरी जबान खिला तेरे अंदर ताकत है ते मैं इंशाल्लाह जब सवाल किया तेरा सवाल एक जवाब दो खैर उस्ताद जी इधर करो जी उस दोस्तों सवाल दसन तो पहले मैं तुम्हें एक ना शेयर है मैं उस्ताद ने खसूसी कहा मैं एक सफदर अली बाजवा है उस्ताद जी ना कुछ अर्सा पहले ना बहुत सीरियस बीमार सन अल्लाह तला ने इन्होंने दूसरी जिंदगी दी बल्कि एक दो दफा इन्होंने जिंदगी चांस आए सन तो मैं कहा उस्ताद के मोहतरम देखो उम्र सही थे जब उसकी बड़ी खिदमत शौक की थी मैं अगर एक ऐसा रात
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਲਮ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਤਮ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਆਫਸਰ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜਵਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਭਰ ਹੱਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਿਲਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੁਰਝਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਕਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜਵਾ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੱਖੋਂ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਕਰੂੰ। ਅਗਰ ਵੋ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ ਰੁਸਾਲ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਫ ਕੋ ਦੁਹਰਾਏਗੇ ਤਾਂ ਵੋ ਸਮਝੇਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਆਲਾ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਸਿਫਤ ਥੀ। ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਿਆ ਥਾ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਹਮ ਰੂਹੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਹਮ ਰੂਹੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਨਾਮੋ ਸੇ ਮਤ ਜਾਨ, ਹਮ ਰੂਹੇ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਨਾਮੋ ਸੇ ਮਤ ਜਾਨ, ਕੱਲ ਕਿਸੀ ਔਰ ਨਾਮ ਸੇ ਆ ਜਾਏਗੇ ਹਮ ਲੋਕ, ਕੱਲ ਕਿਸੀ ਔਰ ਨਾਮ ਸੇ ਆ ਜਾਏਗੇ ਹਮ ਲੋਕ। ਇਨਕੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਆਪ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਔਰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕੱਲ ਕੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਤੀ, ਤੋ ਆਪਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਜਨਾਬ ਯੇ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਯੇ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਾ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਕੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਆਗੇ। ਅਸਲ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾ ਕਰਦਾਰ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨੋ ਕੋ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਯੇ ਆਜ ਆਪਕੋ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏਗੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕੋ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਯੇ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਕੋ ਐਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਤਰ ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨਸਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 19-20 ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਨਰ ਦੀ ਨੋਕ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਦੀ ਨੋਕ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ? ਨਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮੋਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਦੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 19-20 ਨੋਕ ਦਾ ਰੰਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਪੰਜਾ, ਦੂਜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਲੈਂਥਾਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ। ਪਰ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਦੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਰ ਦੀ ਚੌਰਸ, ਨਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੋਲ ਵਧਣੀ, ਮਾਦੀ ਲੰਬੇ ਨੈਨਿਕ ਉਹਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੋੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿਲਾਈ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾਰੀਆਂ ਜਿਸਮ ਬਾਲ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਦੀਆਂ ਵਗੈਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ। ਨਸਲ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੌਂਤਰਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਟੈਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਜਾ ਹੈ,
उंगली पंजे वो ज्यादा होगा ना तो नरदा घट भी होगा ना तो अगला जरा बच्चा निकलेगा ना मैं समझना कि जमीन ज्यादा मजबूत रख दिए बीज जरा ना वो तो है ही है माजी के अजा पतले लंबे चो लंबे होने चाहिए इंशाला नर्दे बैठवा भी मौजूद होगा ना तो बच्चे इंशाला खूबसूरती स्टैंड से आएंगे यह ही एक राज एक जोड़ा लाने जिन्ना माजी दियाँ जेडे पाँव ने टंग लत्त ने वह लंबिया तो पतलियां हो अगर उस्ताद जी माजी के अजा छोटे हो करो नादे छोटे ना दता ना मादी ने छोटी ना फिर कबूतर जो मेरा ख्याल है कि ये चीज जड़ी है ना थ्योरी के विच नहीं आएगी किसने अजमाइश करनी है करके देख मसला सी तोडे का ना मकसद है कि मादी छोटे या ऐसी जड़ी स्टैंडर्ड दी गल है ना हां जी मैं चीज नु ना लाइक कीता है मेरे तजुर्बे दे विच भी है कि मादी दीयां टंगा लंबीयां ही होंगीयां ना पतलियां होंगीयां ते नर दीयां बैठवीयां मौजूद भी बैठवा आएगा ना कबूतर मेरी 40 साल हो जिंदगी मैं बैठवे कबूतर ना मैदान च उतर दिया नहीं देखा हमेशा जिसे करा पाया आजाद चल पाई हूं पतले तेजधार कोई कबूतर होगा मेरे दिमाग च गल क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कबूतर उड़ान के शोबे च रहा ब्रीडिंग के शोबे च मैं शोभा अपना लिया नहीं ये तुहाडे कहना मकसद एक राज एक मादा जिहड़ा ना अगर तुसीं समझो कि पानी नहीं ऐसी चाहिए जिहड़ी बैठवे मौजूद दी मादी बैठवे मौजूद दी नहीं पानी चाहिए एक बढ़ते पार दी है ये उन राज से राज रहा ही तू क्यों उन राज देखो दोस्त कह रहे हैं कि सार ने कहा कि मादी करी तुसीं ना एक शर्त है अगर जानवर तुहाडा नारे वो बैठवे मौजूद है तो तुसीं मादी अगर उहदा स्टैंड ही लाओगे ना खड़े मौजूद दी तो वो नर दा नक्श कर देगी छोटे नहीं कटेगा मैं तेन कोई प्रैक्टिकल जानवर हाथ ही करके बनाया वहां का एक भैया जुड़ा है पर वेह ऐ बच्चे ने है पर वे सही या ना जिस्म वे ये कह रहा तुम्हारा मकसद है कि वो प्रैक्टिकल कबूतर दा है मैं इंशाल्लाह अगले मौका फिर मिलेगा तो टाइम नहीं मुझे दिता वो जो भी फिर कभी तेरी मेरी मुलाकात होगी सही मैं इस गल क्लियर करांगा मतलब नारमादी उसे अगर किसी की गल समझ से ना आवे बिल्कुल क्योंकि मैं वादियां तो सही किया हर इंसान चाहिए अपने अपने जानवर ना मैं आखा नहीं तू है जोड़ा ला अच्छा जी उस्ताद मोहतरम 57 साल तुम्हारी उम्र हो गई तुम कह रहे सो कि जवानी के बुढ़ापे का की तुसा महसूस किया जी उम्र बदलती है भाई ये की लवाजम आ सब की तुसा इनसे कमी महसूस की अपने शौक निखार पैदा किया तो हम बुढ़ापे समझो कि तुम है वो 57 साल की उम्र है दौरान मतलब कोई इन्ने उतार चढ़ाव में शेबो खराज आए ने ये लफ्जों में तुम मेरे गल सवाल समझ गए होने हो कि अपने तजर्बे मुताबक कि कैसा तुम इजहार करोगे अपने उम्र के तजर्बे में इशफाक भाई जवानी की जिंदगी बारे कर गए या कबूतरबाजी की जिंदगी की लैब की गल कर रहे कबूतरबाजी की बुक है वो तुहाडे एक जिहड़ा ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਏ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 57 ਈਅਰ 57 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਚ ਜਵਾਨੀ ਚ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਰੰਗਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ
मैं उन्होंने लफ्जा ही तुम्हें गायकी देना शौक दे वाले आंधी ते तूफान दी तशबीह देने ए जवानी जिसे आउंदी है ना ते जांदी तूफान वांगरी है जिंदगी बड़ी बड़ी लम्मी है ते तूफान दा दौरानिया थोड़ा है आंधी और तूफान मैं जवानी नूं ये कहना हुण की मैं महसूस करना मैं इस जगह ते आ गया उम्र दे हिस्से च मैं समझना कि तजर्बात दी हासिल करदे करदे मैं मजबूत हाँ हम वो पत्ते हैं जो आंधी और तूफानों की वजह से गिर नहीं सकते। आंधी और तूफान को चाहिए अपना रास्ता बदले, आंधी और तूफान को चाहिए अपना रास्ता बदले। जवानी से वो आगे तो ऐसे जवानी है उन्होंने चाहिए कि मैं थोड़िया गलों तो नहीं देख सकता, उसे अपना रास्ता बदलो। ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹੋਣਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੱਤ ਦਾ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਦੱਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਈ ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ आंधी तूफान मैं डिगण आला नहीं है। आंधी और तूफान चाहिए जवानी है तुर जाती है। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਡਾ ਜਰਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਠੀ ਲੱਖ ਕੀ खोले तो खाक की जब इसको खोला जाता ना उसके अंदर होता कुछ नहीं। हमारे शोभा उड़ान में प्रवास के मामले में बड़े बड़े कामयाब जो पुराने साथीदार थे ना वो बड़े लाइट सा शौक करते थे, समझे कि एक दो चीज का पानी बना के डालते हैं वही समझो उसमें इतनी कमाल की हिकमत है कि दुनिया पागल है। अगर किसी को बताया ना ये दो चीजों का पानी आप डाल के तो कबूतर उड़ा लेंगे लोग हैरान रह जाते हैं कि यह दो चीजा ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਡੁੱਬ ਗਈ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੰਮ ਇਲਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡੁੱਬ ਗਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਾਨੇ ਕਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ मैं ना सीने चे तो बाया सी एक गल की बंद मुठी है लाख की खुली है खाक की जे लाख की आने मैंने खोल दी है किसका दिल चाहे इसको लाकी समझ ले या खाक की समझ ले। जो फन है मैं तो नहीं समझता मेरे अंदर राज है, मेरे अंदर राज नहीं था। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि मैं छुपाया हुआ नहीं था, मैंने कभी भी किसी को ना ये फन जो है काबिल बंदे को देना चाहिए जो जो समझे ना
ये जो देखेंगे नौजवान आपके, वो जिस्त जो रखते हैं आपकी शागिर्दी की, और आपका क्या मैसेज है कि क्या आप वो सिखाएंगे उनको ये इलम, सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? यार मैं तो कहता हूँ, ये अगर मैं कहता हूँ ये इलम है, सीखने वाला चाहे तो सीख सकता है। मुझे सिखाने वाले ने तो कभी भी मेरा ख्याल है ना नहीं की। मुझे बड़े बंदों ने आपका नंबर मांगा इतने दिनों से, वो कह रहे साथ सफदर अली बाजवा का, मैं उनसे पूछता हूँ क्या मकसद है आपका नंबर लेने का, तो वो शागिर्दी का इजहार करते हैं। तो मैं उनको नंबर आपका इसलिए नहीं देता, मैं हो सकता है कि ये उस्ताद जी को वो रिसीव ना करें या धोखा ना दे, इसलिए मैं पूछ के नंबर देता हूँ। यार मैं इस हक में शुरू में था, अब लफ्जों में ले आए आप, तो मैं इंशाल्लाह बन दूंगा जो लोग समझ जाए मेरे पास बन है। मैं नहीं समझता था मेरे अंदर को बन है, ये आप लोगों की मेहरबानी लफाजों में लाए हो, मैं इंशाल्लाह दूंगा जो भी मेरे से पूछा। असल आपका फन है मेरे ख्याल से उस्ताद मोहतरम जो उस्ताद सफदर अली बाजवा का पाकिस्तान का उन नामवर शख्सियात में समझे के रैंकिंग है, पाकिस्तान लेवल पे आप अगर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कह सकते हैं कि हमारे शोभा फन कबूतर परवरी में आप देखें ना, चाहे जो टॉपर असातिज़ा इकराम है जो कबूतर उड़ाने के माहिर हैं, बल्कि अल्लाह ताला इनको नाम दिया हुआ है खलीजी ममालक में, सऊदीया मस्कत दुबई में इनके शागिर्द हैं, हत्ता कि इवन मैं देखा कि इंडिया से बड़े दोस्त जो सिख हजरात कम्युनिटी है वो बेपनाह मोहब्बत का इजहार करती है इनसे। एक दफा मैं यूट्यूब पे चैनल पे मैं देख रहा था कल जो एंकर पर्सन थे उनको किसी ने तो सवाल किया कि वो सफदर अली बाजवा साहब को उन्होंने इंटरव्यू भी किया था कि अगर उस्ताद सफदर अली बाजवा इंडिया में आएंगे तो आप क्या करोगे, तो वो कहता मैं इंडिया में जितने दिन वो रहेंगे सोना नहीं, कहता नींद हराम है मेरे लिए, मैं इंडिया में रात दिन इनके साथ ही रहूंगा, रात दिन इनके साथ रहना, इलम की बातें सीखना है। देखें जी कदर उस बंदे को है इलम की जिसको जस्तजू है, जो तड़प रखता है। हमारे इधर शहर में पाकिस्तान में ये वसी हम कहते हैं कि जो साहब सफदर अली बाजवा, हालांकि ये वसी खजाना रखते हैं इलम का भी, कबूतर उड़ाने का फन भी इनके पास है, इनकी जो वजह शोहरत तो पाकिस्तान में इसी वजह से है कि ये, मैं जो अपनी राय देता हूँ कि सख्त गर्मी में डिग्री में ये बड़े अच्छे कबूतर उड़ाते हैं, फिशर कार्ड साफदार कार्ड देखे ना 15-16 साल में, तो जहाँ भी कबूतर उड़ाए ना बड़े बाकमाल, हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई हर सारे बने जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन जो रैंकिंग होती है ना एक फन के हवाले से, तो वो वाकई इनके पास है कि ये कबूतर उड़ाना जिसके मेजॉरिटी दोस्त और शागिर्द अपने इलाके वाइज चैंपियन, मुझे इस बात पे फख्र है, ये मेरे भान का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा तो आगे जो है ना, एक मैं दोस्त का आपकी शागिर्दी का ऐलान किया हुआ था, ये चनेर से है कोई वो दोस्त क्या उनका अपने अहमद है शायद, मैं पोस्ट पढ़ी तो आपका जिक्र कर रहे थे उस हवाले से, कोई पेश कौन से वो बंदे थे मेरे पूछे बगैर? चले कोई बात नहीं, क्योंकि उसका मेरे पे हक है, क्योंकि मैं उसको बोलता हूँ आप मेरे बेटे जैसे हैं। अहमद है उसका नाम? हाँ बिल्कुल वही है, अहमद साहब। हाँ अहमद है, उसने अगर पोस्ट चढ़ाई है इंशाल्लाह मैं उसकी जो आवाज उन्हें निकाली है मैं पूरी करूंगा, तो आपको भी मौका दूंगा। ठीक चंद चलेगा तो दुनिया देखेगी, जिस दिन चलेगा आपको भी पता होगा, आप भी साथ ही होंगे। दोस्त ने मुझसे रब्ता किया था कि भाई इशफाक साहब आपने हमारी पोस्ट बना के ना
लगाए। मैं कहता हूँ यार ऐसे नहीं, पहले आप अपना फैसला करें, ये शादी और शागिर्दी कोई मजाक नहीं है। आप पोस्टें चढ़ा के बाद में उतर जाए या कहीं और चले जाए तो बड़ी जगह पे आपने सवाल किया है। देखो मैंने कभी किसी को ना नहीं की, जो कोई कहता है मैंने कभी किसी से मुतालबा किया वो गलत बात है। पोस्टे ना चढ़ाएं, मैं एक दो जख्म खा चुका हूँ, पोस्टे चढ़ गई है और नियत अंदर से सही मतलब जो भी आए वेलकम है 24 घंटे जो भी आए। मैं तो किसी को ना नहीं करता, मेरा क्या जाता है, चाहत का इजहार करता है तो आप हाजिर है, कोई बात नहीं मैं। अच्छा आपने अभी जिक्र किया था कि ब्रीडर कबूतर जो शेखों वाले जो कबूतर हैं आपके बड़े पसंदीदा इलाके हैं, इस हवाले से जो मेरे भी भाई हैं मोहतरम हैं और आपकी दरीना दोस्त है, तो मेरे ख्याल शायद वक्त के लिहाज से थोड़ी सी ना नरमी आ गई आपके ताल्लुक में, वो आपको चाहूंगा कि मेरे भाई का भी जिक्र जरूर करे। शेखों वाले इलाकों का हो गया है तुमने मेरे उस दोस्ती के वाले से उस दिन भी सवाल सही नहीं किया था। अच्छा देख लो खोल के। हाँ जी बिल्कुल, आपने कहा था आपके दोस्त डॉक्टर मिर्जा जमील है सन। हाँ जी मैं से मैंने सन के हिसाब से जो आज फिर आप सवाल गलत कर रहे हैं दरीना। हाँ जी भाई मेरे वो दोस्त पहले भी थे और आज भी हैं, पहले भी अच्छे दोस्त थे आज भी अच्छे दोस्त हैं। हाँ कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं जिंदगी में, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ बात कोई थोड़ी सी बात कहूंगा ना समझो, मैं समझा हूँ मैं गलती कहूंगा, गलती है मेरा उसके साथ ऐसा तलक है सभी सुनने और रहेगा। कोई आदमी कह ले ये कह दे के बाजवा को पीछे करके डॉक्टर जमील से मोतियां वाले कबूतर ले लेते उसकी गलत फहमी है। डॉक्टर जान दे सकता है कबूतर नहीं दे सकता, क्योंकि वो कहते हैं कबूतर बाजों में ज्यादा लोग मुनाफक हैं। अब मेरे दिल को वो बात उसकी लगती है, वो कहता था ये लोग आपके पीछे कबूतरों के लिए लगे हुए थे। मुझे भी महसूस हो रहा है यार वाकई कबूतरों के लिए मेरे पीछे लोग लगे हुए। दोस्ती में सारा कुछ आ जाए ठीक है, दोस्ती जो वो होती है ना कि आपके हर काम में मैं मुलव्वस हूँ और मेरे काम में सारे कामों में आप मुलव्वस हूँ। मुझे उड़ाने का शौक था, ब्रीडिंग का शौक डॉक्टर साहब को था, तो मैंने समझ लो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर साहब के साथ रह के चेत की है। जैसे ब्रीडिंग के हवाले से आपको शौक उनका ही था, कबूतर बनाए जो जो एक नई नस्लें बनाई अमेजिश की नस्लों के दरमियान। आप सवाल को लंबा कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ बीच में निकाल लेना है। अच्छा। मैंने कह दिया ना डॉक्टर जमील मेरा पहले भी दोस्त था आज भी दोस्त है। जो लोग ये समझते हैं कि वो मेरा दोस्त नहीं है ये उनकी गलतफहमी है। अगर अगर उनकी गलतफहमी नहीं थी उससे कबूतर लेकर तो दिखाए, कबूतर तो सारी उम्र उसने दी है, उसके अंदर जो शौक है ना वो अपना शौक नहीं किसी को देगा ना देता है। आपके कहने का मतलब है कि मेरे तलक खराब करके कुछ कहने डॉक्टर से मैं कुछ हासिल कर लूं, ये मेरा ईमान है। उस दिन मेरे ख्याल से ये गलती मेरी थी कि मैं गलत सवाल कर गया। आपका सवाल गलत है, आपके दोस्त थे सन, बड़े अच्छे दोस्त सन, यानी कि हूं नहीं है आज भी तो क्या तेरे दरीना दोस्त। हाँ जी क्या एक ऐसे मुंह फेर क्यों वहां सवाल किया। अच्छा। दरीना दोस्त दोस्त ही मेरी आज भी है, मैं वहां वहां मेरे से पिछले सजियों का नहीं है, मेरी कालों से कला होंगी नहीं है, कोई ऐसा मीना नहीं मेरी उन्होंने गल बात हूँ जी, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होनी थी हूँ कट हूँ जी। मसल कह सकते थे तलक साथ आज भी है बिल्कुल उसे जिंदगी रहेगी रहने भी देते हैं चलो तलक रहे हैं। हाँ ये शौक का हिस्सा है उतार चढ़ाव होते जाए रहते हैं। उस्ताद मोहतरम जो अपने शागिर्दां दोस्तों को पैगाम देना चाहते हो पाकिस्तान तो बाहर भी ने पाकिस्तान के बीच नहीं इंडिया के बीच जिन्हें तुम्हारे फैन ने फॉलोअर्स ने उन्होंने की कहना चाहोगे कोई खसूसी पैगाम हो यार कबूतर वाली जे वाले दा शवाक मैं ही कहना चाहूंगा दोस्त यार अपने हरीफां दी इज्जत करो। ये कबूतर वाली अपनी जिंदगी मजा लैना अपनी जिंदगी हरीफ की इज्जत करो
शरीक नीका तगड़ा करके वेई जा तोड़ के नहीं वेई जा बाइकाटा ना लवो छड़ दियो अपनी दुकान तो ये अगर कुछ हासिल करना है जरा तगड़ा प्लेयर है ना बाइकाट कर ना करो अपने अंदर अपनी कमियां दूर करो हरीफ का मजा लवो शौक का मजा लवो हरीफ की इज्जत करो जिस तरह अपने उस्ताद की इज्जत कर रहे हो दूसरे हरीफ उस्तादा की भी इंजी इज्जत करो शिगिर्दा वास्ते मेरा पैगाम है अगर कोई उस्ताद उस्ताद आपस में गुफ्तगू करता है नाराजगी करता है तो शिगिर्दा ओरे विच मुलव्वस नहीं होना चाहिए क्योंकि उस्तादा दियाँ जिहड़ियाँ दोस्तियाँ होंदियाँ ने फिर बहार हो जाए तो शिगिर्द जिहड़े गलत कमेंट्स करते हैं उस्तादा के मगर ना तो कटिया हो ही जाना होता है कि कभी हरीफ उस्ताद शकीर के नाल कटा नहीं कभी होया हरीफ उस्ताद ही होता है दोवें हरीफ फिर मिल बैठते हैं तो शकीरदा गलत कमेंट्स नहीं करने चाहिए कि मेरे उस्ताद नूं ऐ कहता है मेरे उस्ताद नूं आ कहता है चीजा शौक दियां खराबियां पैदा कर अज दा दोस्त ते कल दा हरीफ ओहदे अंदर तां लिखे है मेरे ते हर साल दोस्त जिहड़े हरीफ मेरे बन जांदे ने तां इहदे मैं हत्थां दी लकीर वाला शेर खोलिया फैसले कठा जाए हूँ मजारिटी नहीं आए मेरे शरीर तो सही फैसला करते सही करते मैं इस गलते फकर अगर उस्ताद सख्ती करे ना तो शागिर्द दे की मजाल है कि वो ऐसी को गल करे जी बिल्कुल सही है मैं कहता हूं कमियां कोई साडे च भी नहीं सी अगर जी बिल्कुल साडे च भी कमियां ने असि अपने शरीरदा नु पूरा गाइड नहीं करते मैं जे दो लफ्ज़ा दी गल मकाना हुंदा मैं अनपढ़ बंदा सी सी जे मैं देसी गल करदा मैं जो शकीद करना ना मैं अपने शकीद ना बच्चा राजी ना कोई आवे तो ना कोई जावे की मकसद है को अपनी जंग तू आप लड़नी है तू मुनु मंतकब कीता है मेरे रमूद भी करने और कंड छिली जाए लगनी नहीं चाहिए एदा की मतलब है हारजी है हार जाए गलत हरकत ना करे हारजी तेरी हार जाए कबूतर ना बारा छी एनू आंदे ने कंड लगनी कंड ना मेरी लवाई मेरा शकीदे अरीवे ना कह तेरे शकीदे ने कबूतर बार उठे मैं इस चीज दो हर शकीर कहना कंड छिली जाए छिली का की मुराद है खर्चा जिन्ना होंगे ही हो बारी हर जी हर जाए दिल ना छोटा करी मेहनत कर ली जो हरेगा हर अंदर मूल समझ ली अगले साल पूरा साल होंगे दूर कर दी त्राशिया जाता ना फिर फर्क निकल जाता फिर ओरी चमक दे अगे कोई कोई चमक जी ना मन दे ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਲਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਲਮ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਪਾਈ बुराई का पता नहीं चलता मालिक कायनात ने कुदरत का निजाम कायम है अच्छे लोग है
जी बिल्कुल जी कह रहे इंशाल्लाह रहेंगे शाही बढ़ेगी बुराई कटेगी इंशाल्लाह तुम्हारे तावां दे नाल इंशाल्लाह मैं उजड़ा दे प्लेटफार्म तो अपने शहर दे उस्तादां नूं दोस्तां नूं ऐसा मंजर दिखावां कि दो साथ कहणगे कि यार वाकई कोई बंदा देखो जी अच्छा काम करांगे तो कोई सराहेगा ना जी बिल्कुल सोच लोगा को जाएगी सफदर अली बाजवा साहब नूं लोक नहीं सन मिले नहीं सन जानदे देखो जी हुण मीडिया दी तरक्की है कि मैं दोस्तों को सफदर अली बाजवा का नाम ना सिर्फ मुताबक आया बल्कि इन्हों को शेयर एक मौका दिता है रास्ते का जरिया बनया आया कि मैं इस समझो कि मिशन के बच्चे किस हद तक कामयाब हाँ ये दोस्त ही दसनगे सा मकसद है प्यार मुहब्बत ना कि असं एक दूसरे की करदार करिएदारी करिए बल्कि मैं सादे मोहतरम मेरा क्योंकि सीनियर सदर हो बल्कि उस्ताद आजम पहलवान दफदे उस्ताद शेख अलजार साहब भी देखते हैं भाई तुम क्यादत करते हो असं ये अपने शहर के बिहार से अच्छा एक अच्छा पैगाम देंगे कि अपने हरीफ की इज्जत करो बहुत अच्छे इंसान था बल्कि शुरू में ना वो मेरे हरीफ थे मैं वो बड़े थे मैं छोटा था उन्होंने मेरे को दिल से जाना फन में आप मेरे से बड़े मेरी जो ये सिद्धार्थ है ना इसकी कोई कीमत नहीं मैं आपको मानता हूँ ये जो मेरे पास डबल है ना सिद्धार्थ ये मेरे पास खुद ही मेरी जी मेरे हरीफों ने मेरे को सदर चुना उसी वक्त भी आजम पहलवान वीर असगर ने मेरे को सदर चुना था उसके बाद आजम पहलवान ने अपनी जिंदगी में कहा था कि ये साजी मेरी भी सदारत आपके पास पता नहीं उनके दिल में क्या आई थी और क्या था लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस कंपनी को चला रहा हूँ मुझे इस पे फख्र है हमेशा मुकाबला करो अपने तो तगड़े प्लेयर नाल तुहानू मजा आएगा एक दोस्त कह रहे साजिया नु कहोगे जांदे ब्रीडर कबूतर ओदी पहचान दस दियो फिर मैं उहनां दा बड़ा समझो के यार ताबियादार रहवांगा स्वाग असी गाने बाद सवाल पढ़े लिखे हुंदे ने मुझे सोच के जवाब देना पैंदा ब्रीडर का जड़ी गल है ना मैं ब्रीडर कबूतर समझना खा किसे भी नसल च होए सब तो पहली जड़ी मैं तरजीह देना मुझे सोने वर्गा कबूतर दो दो शामां दा वाह जिदी अलग काली चेतरी जरा मैं फड़ के छड़ देना जिदी काठी मैं हाथी फड़ के मेरे ना मजबूत है नहीं ना मजबूत है मैं छड़ देना दो चीजा दे विच मैं जिंदगी यार रख लो चेतरी अलग अलग करी कबूतर जिंदगी च अच्छाई पैदा नहीं करेगा चेतरी तो मुराद की कह रहे हो अलग चेतरी ते काली दानेदार पलक कदी विधि देंगे जी करेगी क्योंकि आखिर अखीर जरा ना वो उड़ान है कि जे मैं काली पलक चेतरी नु खुशक समझना ओ जेड़ी घरों ही खुशक है उठ के की करेगी पलक तो साजी तार होने चाहिए पर तार तो मोटी होनी चाहिए किसे भी नसल की देखो हर कबूतरी पहचान पलक है हर नसल की किसे दी पतली सी किसे दी मोटी सी पलक सिर्फ काली दानेदार नहीं होनी चाहिए किलो साजी की वगैरह खुशक खुशक तो क्या मैं देखो मैं समझना तो है भी है ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪਲਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁਰਾਨੇ ਪਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਲਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਬਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ
कि जोड़े लाल गया पलक का ध्यान रखा करो क्योंकि नस्ल बेशुमार ने। कोई ऐसी नस्ल वहाओ जोड़ा लाने च खराबी आएगी पलक निकल दिया। एक खराबी इन दूर कर लो, कली काली केतरी पलक आला जरा जानवर जोड़े ना करो मजबूत नहीं इतों पढ़ने वजनदार नहीं उस कबूतर भी ना पाओ। बल्कि मेरे हाथ च कबूतर होंगे मैं तुम प्रैक्टिकल करके इंशाला मौका फिर मिलेगा मैं तो जरूर दसांगा। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं प्रैक्टिकल कबूतर का पाठ तुहाडे के करांगा ते दुम पढ़ने का नहीं आ रहे हो मैं जरूर दसांगा। कोई अजमाना चाहता है अजमाल में मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला दी दाल नादर नाल जान के कहना जो मेरा तजर्बा है उस हवाले से कहना ए चीजा कबूतर वास्ते बेच लो। दोस्तों ये जो सदरली बाजवा के साथ गुफ्तगु में मैं हो रहे हैं तो इनके जो ब्रीडिंग सेटअप था ना क्योंकि अभी मौसम मेरे ख्याल से मौजूद नहीं शौक के हवाले से तो जो ही थोड़ा मौसम खुशगवार होगा तो इनका ब्रीडिंग सेटअप और कबूतर के समझे के जो नस्ल वाइज इनके ब्रीडर कबूतर है ना उनका भी शौक करवाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको पता चले कि उस्ताद जी कहना क्या चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक वो अपने हाथों से बता रहे हैं आपको खला होगा ना तो मेरा ख्याल मजबूत कबूतर नहीं है। फिर एक नवी गल नवा रहा जिन्नी देर तक दोस्तों कबूतर फा के दसना गल नहीं बनी कुछ लोग आंदे ना बाजवे दियां गल्लां बाजवा ही जान सकदा है। ठीक नहीं असीं तां वेखो तुहानूं एड्डे एड्डे तुसीं गल्लां दसियां ते साडा मकसद वी इह है कि तुहानूं आवाम जाणे कि क्या ऐसा राज है वे क्या शख्सियत दे बाकी कुछ गल्लां ने कि लोकां ने वेखियां ने वेखरा हुण इह जिद्दां दा उस्ताद सानूं फायदा चुकना चाहीदा है असीं इह मोबाइल टेक्नोलॉजी जिद्दां नूं इलम वास्ते वधाईए। यार जी जेड़ी मैं गल्लां कीतियां कोशिश करो करा लो तुहाडे वास्ते सुना लो ये तुहाडे वास्ते बेहतर ने तजर्बा ते करके वेखो 40-40 साल हो गए तुहाडे जोड़े वाले कबूतर रखे 20-20 साल हो गए कई दोस्त नवे ने उन्हां नूं चाहीदा भरपूर इन्हां दूर तिना टिक्सां दे ध्यान करे मेरा ख्याल है कि उन्हां नूं कामयाबी होगी। अगर किसी का नुकसान होगा तो मैं दसेगा उस्ताद जी तुहाडी गल कीती मैं अमल कीता मैं नुकसान ही करूंगा। तो जी उस्ताद जी बहुत थोड़ी राय का मैसेज का बल्कि जी गुजारिश की थी मेरे ख्याल के अस एक अच्छे कदम की कोशिश की थी है अच्छे अमल की कोशिश की थी है। तो मैं ये भी चाह रहा कि दोस्त जो है ना वो मनफी कमेंट्स ना कर बल्कि जी को अगर गल इन्हें पसंद आती है ना बल्कि यह भी एक साडा ऐलान है कि जो दोस्त अगर मनफी कमेंट्स करेगा ना ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਹ ਸਤਲ ਦੇ ਬਾਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਤਲ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਮੁਸਤਫੀਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਸਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਓਨੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਤੇ ਜੇ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫੈਲਾ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫੈਲਾਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ
अगर मेरे को गल की है कोई ये ना समझे मैं किसी से तनकीद की ये गला चो गला चल रही है कोई वड्डी होगी कोई छोटी होगी गल अगर किसी ने मेरी किसी लफ्ज़ का बुरा लगा है तो मैं और को माजर खाऊं ये साजी माजर की एक तनकीद का खिलाफ होना इकरार है गल खिलाफ हो सकता है हो सकता दोस्त नहीं पसंद कर लेकिन ऐसे तनकीद लफ्ज ही ना करे हां जी तनकीद बजाय करन दी मेरे शहीदां नाल मेरे दोस्तां नाल शौक करके आया है चीजा फर्क कर दी बहुत शुक्रिया काल के काफी लंबी हो गई एक दोस्त कह रहा जी परिंदा साल के हाथ होता भाई आपका मकसद पूरा नहीं हुआ अगर परिंदा साल जी के हाथ में था तो दोस्तों ये आपको ना बाद में किसी दिन आपको बकायदा सेगमेंट रखेंगे ब्रीडर कबूतरों का साथ सतरी बाजवा के जो ब्रीडर कबूतर है वो बकायदा प्रैक्टिकल तरीके से ना हाथ में पकड़ के जो आपको बताना चाहते हैं एक वक्त में सारा कुछ नहीं हो जाता आंखें बंद करने से बंदा चांद पे नहीं चला जाता या हकीकत चुड़ला नहीं सकता ये काम होते हैं वक्त के साथ जिंदगी रही माँ के कहना और साथ साथ भी बाजा था तो मेरे तंदुरुस्ती दे और बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह ना आपको दोबारा जरूर शौक करवाएंगे अगला जो हमारा सेगमेंट होगा ना वो साथ साथ भी बाजा के जो प्रीजर कबूतर हैं उनका शौक करके तो उनके साथ आपको ना दिखाना दोस्तों की पजीरा या राय का बहुत शुक्रिया इतने तरीजा से जो तुम्हारे साथ देख रहे हैं अभी भी तकरीबन 132-133 लोग देख रहे हैं तो जनाब बहुत शुक्रगुजार है वाजपा साहब जिन्होंने जरा कीमती अपना टाइम दिया और दोस्तों के मुताबिक अपने जो अच्छे ख्याल का इजहार करा एंड देयर साथ जी अपने चाहना एक छोटा जिहा खुशी पैगाम दे दा खुदा हाफिज दो ज्यादा चाहवां मेरे जी यार जी बस यही है कि अपने हरी खाली इज्जत करो ते अपने शौक दा मजा लो हां यही अज दा साडा पैगाम उस्ताद हदीस दी इज्जत करो तो उन्होंने मान दे इज्जत दा ओके साजी बहुत शुक्रिया जी बहुत मेहरबान अल्लाह हाफिज़ फिनिश